हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अरवी का अचार। और जो सब्जियां बहुत खाए होंगे अरवी का, लेकिन एक बार इस तरह अचार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी और अनूठा स्वाद लगने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है ये 1/2 kg यानी 500 ग्राम अरवी है। आप देख पा रहे हैं, अरवी जो अचार के लिए लेना, ये थोड़ी सी आप इसको थोड़ी सी मोटी वाली लें। एक तो इसमें अरवी में कई क्वालिटी आती है, कुछ पतली आती है। पतली में होता क्या है ना, उसके अचार जो है ना बहुत गुदेदार नहीं होती है। जैसे हमने इस तरह का लिया है, तो इसमें थोड़ी सी फ्राई करते वक्त, क्योंकि हमने इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसको फ्राई करते वक्त ये टूटेगी नहीं। आप चाहें तो इसे पहले से पील करके भी काट के फ्राई कर सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन हम आज इसे बॉईल करेंगे। अरवी को सबसे पहले हमने लिए हैं, तो इसको अच्छे से 2-3 बार पानी से साफ कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है, क्योंकि ये रूट में होती है। तो चलिए, हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसमें एक कुकर लेना है और सभी अरवी को डायरेक्ट डाल देनी है, और इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास तकरीबन पानी। बहुत ज़्यादा नहीं, स्टीम से पक जाएगी। चलिए, आपको दिख रहा होगा बोतल से 1/2 ग्लास पानी लिए हैं। चलिए, अब क्या करना है हमको, इसको कवर करके 1 सीटी तक लगाना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अरवी जो है ना बहुत जल्दी पक जाती है। 1 सीटी जैसे ही लगेगा, उसके बाद गैस को ऑफ करके इसका प्रेशर इंस्टेंट खोल देनी है, यानी कि प्रेशर से पक जाएगी। अगर आप इस तरह करेंगे, अरवी अगर यहीं कुकर में पक गई ना, तो अचार तो पता ही आपको क्या होने वाला है, अचार बना ही नहीं पाएंगे। चलिए, फटाफट बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ा दिया है और एक फुल फ्लेम पे हमने इसे 1 सीटी लगने तक पकाएंगे। अरवी को हमने पका लिया है और अच्छी तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह फट गया है। हम कुकर से नहीं निकालते दिखाए, इसलिए इसको हमको थोड़ी देर ठंडा ही, इसको छन्नी में हमको थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रहने देना था। अब चलिए, सभी को हम एक एक करके इसको पील कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह आराम से पक गया है ये। चलिए, सभी को हमने छील लिया है। अब इसको हम एक मोटी थिकनेस के आकार में हमें काट लेना। हम यहाँ पर गोल काट रहे हैं, आप चाहें तो आप यहाँ इसे लंबे आकार में भी इसे काट सकते हैं। चलिए, इसी तरह सभी को काट लेते हैं। चलिए, हमने अरवी को काट लिया है। अब आइए मसाले की बात करते हैं। मसाले में हमने लिया है 1 स्पून जीरा, 10 से 15 दाने ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून से 1.5 स्पून हमने अजवाइन लिया है, और जाएगी हींग, और हमने यहाँ आमचूर लिए हैं, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, टेस्ट नहीं थोड़ी सी ज़्यादा ही लिए हैं, क्योंकि अचार में नमक अच्छा लगता है। सूखी कुछ लाल साबुत मिर्च डाल रहे हैं। यहाँ आप मिर्च का अगर नहीं डालना चाहते तो मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी 1.5 स्पून हमने धनिया लिया है साबुत, और जाएगी 1 स्पून सौंफ, और हम यहाँ 1 स्पून मेथी लिए हैं। कुछ मेथी के पाउडर बनाएंगे और कुछ मेथी के साबुत दाने डालेंगे। आइए, सरसों लिए हैं हमने 1 स्पून, काली सरसों है, यहाँ आप पीली सरसों मिले वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने 1 स्पून हल्दी लिया है पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो हमें थोड़ी सी कलर देगी, कितना 1 स्पून लिए हैं, और ये हम 1/2 स्पून कलौंजी लिए हैं, जिसे अनियन सीड कहते हैं, और जाएगी विनेगर। आप यहाँ विनेगर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, इसीलिए अमचूर पाउडर हमने इसलिए लिया है कि दोनों थोड़ी सी अचार को खटाई देगी, तो टेस्ट इसका अच्छा लगेगा। यहाँ आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, फटाफट बढ़ते हैं गैस की तरफ, पहले मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। फ्राई पैन हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, डाल देंगे धनिया, और डालेंगे ब्लैक पेपर और साबुत जीरा, और डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, और ये लाल साबुत मिर्च, और डालेंगे थोड़ी सी मेथी के दाने। मेथी कुछ हम साबुत रखेंगे, कुछ पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी इसे रोस्ट हो जाने देते हैं, बहुत नहीं, एक अच्छी खुशबू आने लगे, थोड़ी सी, बहुत जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब इसे एक अच्छी खुशबू आ जाए, तो इसे गैस को कर देंगे ऑफ। अभी खुशबू
आना शुरू हो चुकी है और इस स्टेज में जब आधी भून जाए तो हम यहाँ डाल देंगे सरसों, क्योंकि हमें सरसों की पेस्ट बनानी है। इसे भी थोड़ी रोस्ट कर लेते हैं। चलिए ये भून चुकी है बिल्कुल, अब है इसको हम ठंडा होने देंगे, तभी हम इसको बारीक मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपने गर्म गर्म पीसा ना तो क्या होगा, एक तो मिक्सी में भी आग लग सकती है और ये इसका जो ये पीसेगी नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होती है, क्योंकि गर्म हो चुकी है। ठंडी जैसे ही होगी ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी तो पीस भी जाएगी जल्दी। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम उधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ लिए हैं दूसरी फ्राइंग पैन, आप यहाँ कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसे। इसे गर्म होने देते हैं, ये गर्म हो चुकी है। अब हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल कम से कम 3 बड़े स्पून डालना है यहाँ, ताकि हमें अरबी अच्छे से फ्राई हो सके। तेल जो है हमेशा आपको सरसों तेल ही लेना है, किसी भी अचार में सरसों तेल के सिवा कोई और तेल नहीं डाल सकते। तेल को हमें बिल्कुल धुआंदार गर्म होने देना है यहाँ पर, तभी आपकी अचार अच्छी होगी। गर्म हो चुकी है, अब हम इस स्टेज में जीरा डाल देंगे। जीरा के जैसे थोड़ी सी चटक जाए तो गैस की फ्लेम स्लो करेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे अरबी। फ्लेम मीडियम कर देते हैं, उसके बाद मीडियम करने के बाद इसको दोनों साइड क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है। जब तक ये क्रिस्पी होती है तब तक ये ठंडी हो चुकी है, इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। हमने यहाँ इसे पीस लिया है, विदाउट पल्स मोड पे नहीं पीसे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हम पीस के थोड़ी सी दरदरा रखे हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ। चलिए एक बार हमने इसको एक बार पलटा दिया है, इसको दोनों साइड पका लेते हैं क्रिस्पी होने तक। लगभग इसको फ्राई करते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सभी मसाले को जो हम डाल पीस के रखे हैं वो हम डाल देंगे, लाइक जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अमचूर पाउडर। जब हम दोनों डाल रहे हैं तो यहाँ 1/2 स्पून हम अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। सौंफ, साबुत सौंफ, साबुत मेथी के दाने, ये अजवाइन है, बहुत ज़्यादा क्रश करते हुए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 चम्मच। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ पर डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे। और जो हमने पीस के मसाला रखा हुआ है वो हम डाल देंगे। चलिए सभी को हम पलटा लेते हैं। सभी मसालों को मिलाने के बाद इसको थोड़ी देरी से भूनने दें, ताकि ये जो जितने भी मसाले दिए हम इसमें पक जाए। तेल की मात्रा यहाँ पर कम लग रहा है, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा, अगर लंबे समय तक रखना चाहते हैं जार में तो इसे तेल और धुआंदार गर्म करके ठंडा गुनगुना डाल सकते हैं। अगर इंस्टेंट खाना है तो इसी तरह खा सकते हैं आप। क्रिस्पी हो चुकी है, गैस को करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं, तब हम इसमें विनेगर मिलाएंगे। ध्यान रहे जब अब ये ठंडी हो जाए तभी आप विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे विनेगर डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर और सर ठंडी होने देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और यकीन ना मानिएगा इतना टेस्टी बनी है कि कुछ तीखा खट्टा चटपटा का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने इतने मसाले डाले हैं, विनेगर डाला है, अमचूर भी डाले हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगा है। आप इसे दाल चावल के साथ ऊपर भी इसे एक्स्ट्रा से खा सकते हैं और इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी खाइए, आप पे निर्भर करता है, और ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे इसी तरह बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए इस पिकल का। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, और हाँ साथ में बेल